नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बारे में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दो सोमवार से, यानी कि आज दूसरा सोमवार है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं। ऐसे में आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें फरियादी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कुर्सी पर बैठते ही फफक कर रोने लगा। उसके बाद उसने अपनी फरियाद सुनानी शुरू की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले SPDL यानी कि साउथ बिहार बिजली विभाग को लेकर उसने सबसे बड़ा आरोप लगाया, जिसमें उसने कहा कि पिछले दो साल से बिजली के कनेक्शन के लिए उसे टहलाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मुख्यमंत्री जनता दरबार में अपनी अर्जी लगाई और उसका काम हो गया। अब देखिए इस वीडियो में कैसे ये फरियादी फफक कर रो रहा है। कनेक्शन के लिए पैसा जमा कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जनता दरबार नहीं होगा तो मैं तो अपने आप को फील करते रहा। क्या समस्या क्या होती? समस्या तो सर, अगर आप नहीं होता तो ये नहीं समाधान होता। मात्र 1542 रुपया के लिए ये समाधान हो रहा है मुख्यमंत्री जी स्तर से। क्या क्या समस्या जरा बताइए। दो साल पहले एप्लीकेशन लाइन आपको क्या विद्युत का कनेक्शन नहीं मिला है? नहीं सर, मैं दो महीने बाद एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया। सर क्यों किया कैंसिल? बताया कि आपके घर के सामने दो तार गया है, अगर आपको थ्री पेज चाहिए तो आप एक तार खरीद लीजिए। हमने पता किया कि 25-30 हजार लगेगा। बोली यार तो आप इंतजार कीजिए, हमारा तीसरा फेज लग जाएगा तो आपको दे देंगे। हमने कहा कि अगर हम 25-30 हजार का तार खरीद लेंगे और आपका जब तार लग जाएगा तो मेरा तार बर्बाद हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, 25-30 हजार डूब जाएगा। तो हमने कहा कि हम इंतजार कर लेते हैं 2-3 महीने। उन्होंने 2 महीने बाद एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया और हमको खबर तक नहीं दिया। उनके सर MD को हमने SBPDCL को ईमेल किया, कोई जवाब नहीं, किसी से कोई जवाब नहीं। अगर ये नहीं होता आपका दरबार, जैसे ही इसमें कंप्लेन किए दौड़ के घर पे आए और परसों चेक देखे गए, मात्र वो दे रहे थे 8,000 और 9,542। 1542 रुपए का सेटलमेंट होगा इस राज्य में मुख्यमंत्री के स्तर से, जो काम प्राथमिक लेवल पे हो जाना चाहिए। या तो मुख्यमंत्री के लेवल से कोई मतलब नहीं इसका, जी इसका चीफ मिनिस्टर के लेवल पर क्या मतलब? अगर ये जनता दरबार में शिकायत नहीं, नहीं होती तो बिल्कुल नहीं देते सर। दो साल आपका सेट कर दिया सेटल जी सर, 2 साल से अटकाए हुए आपके यहाँ, आपको दे दिया जी। मैंने यहाँ के लिए आपने एप्लीकेशन भी आने वाले थे तो ये काम कर दिया, कर दिया। बस जैसे ही ये कंप्लेन किया तो दौड़ के, अदरवाइज सर MD तक का देखिए ईमेल, आपके ऑफिस को मैं सर ईमेल देता हूँ। ऊर्जा विभाग वाले को कहिए तो जवाब आता है, एक्शन लेना चाहिए, कंप्लायंस होता है। लेकिन साउथ बिहार इनको 2 बार ईमेल किया, कोई जवाब कुछ नहीं। तो आप दे दिया ना, लेकिन फिर भी इनको मिलवा दीजिए, ऊर्जा विभाग में मिलवा दीजिए, ताकि वो देखे कि नीचे के लेवल पर ऐसा देर क्यों किया। मैं मेरे साथ जो हुआ सर हुआ, दूसरों के साथ ऐसा न हो। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, अगर ये दरबार न शुरू होता तो हम लोग तो इतना इंसल्ट फील करते थे सर, कह नहीं सकते। नहीं लेकिन हम भेज रहे डिपार्टमेंट वाले को, बता जरूर देंगे, चेक अपना रखे, चेक इसलिए किया है तो उसको जरूर जांच करेंगे। चाहिए बता दें वाले। तो आपने देखा कैसे यह फरियादी फफक कर रो रहा है, और इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर एक्शन लेने की बात कह दी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।